हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वेज मायोनीज सैंडविच, जो झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें चाहिए होगा कद्दूकस किया हुआ खीरा, और एक चॉप की हुई प्याज, और टमाटर जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, ऑरिगेनो आधा चम्मच, और अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। हम काली मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब हमें चाहिए होगा 4 चम्मच वेज मायोनीज़। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 या 5 जितनी हमें ज़रूरत हो हम मायोनीज़ लेंगे, और उसको भी मिक्स करेंगे। अब हम इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें मायोनीज़ में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम 2 ब्रेड की स्लाइस लेंगे। एक स्लाइस पर हम लगाएंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप हमें ब्रेड पर पूरी तरह से फैला देनी है, हमें ब्रेड को अच्छी तरह कवर करना है। अब दूसरे ब्रेड पर लेंगे हम अपना मिक्सचर। मिक्सचर भी हमें ब्रेड पर पूरी तरह फैलाना है, ब्रेड को अच्छे से कवर कर देना है मिक्सचर से। ये देखिए, मैं इसको कवर कर रही हूँ। ब्रेड हमारा मिक्सचर से पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए, वरना तो टेस्ट नहीं आएगा। अब हम एक पैन गरम करेंगे। पैन में 1 चम्मच बटर डालेंगे। देखिए, बटर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर रखेंगे अपने ब्रेड की स्लाइस। एक तरफ रखेंगे केचप वाली स्लाइस, और दूसरी साइड रखेंगे हम मिक्सचर वाली स्लाइस। हम दोनों को एक साथ रखेंगे। जब ये एक साइड से क्रिस्पी हो जाएगी तो हम केचप वाली ब्रेड को मिक्सचर वाली ब्रेड पर सेट कर देंगे। हमारा सैंडविच बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने सर्व कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इजी रेसिपी के साथ। बाय बाय।